पब्लिक टीवी आपकी आवाज। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर 4 दिवसीय ध्यान साधना शिविर का आयोजन ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में किया जा रहा है। 18 नवंबर से 21 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस ध्यान साधना शिविर में समस्त लोगों से शामिल होने की अपील की गई है। इस अवसर पर कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद के राकेश अग्रवाल ने बताया कि आनंद धाम आश्रम से ऋषिकेश पहुंचने के लिए बस की व्यवस्था की गई है। इच्छुक साधक 2000 का भुगतान कर बस व्यवस्था का लाभ भी ले सकते हैं। 17 नवंबर सुबह 8 बजे आनंद धाम आश्रम से ये यात्रा प्रारंभ होगी, तो वहीं 21 नवंबर 2021 को शाम में ऋषिकेश से इस यात्रा की वापसी होगी। विश्व जागृति मिशन की ओर से महाराज जी के द्वारा ये 18 से 21 नवंबर तक के लिए ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में कराया जा रहा है ये योगा का कार्यक्रम। इसमें 8000 रुपये सहयोग राशि जो है प्रत्येक श्रद्धालु से ली जा रही है, लेकिन बहुत अच्छा ये कार्यक्रम महाराज जी का एक होता है। विशेष रूप से इसमें महाराज जी योगा सिखाते हैं सुबह को, और उसके बाद जो है वहाँ पर सब घाट पर नहाने का धोने का रहता है। इसमें कार्तिक पूर्णिमा भी एक दिन के लिए पड़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु इस कार्यक्रम में महाराज जी के भाग लें, जिसमें कि महाराज जी की पुत्री जो है अर्चिका दीदी वो भी जो है आ रही हैं, जिन जो दोनों जने महाराज जी भी और अर्चिका दीदी भी दोनों ही योगा पर विशेष रूप से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और खाने का पीने का रहने का बहुत अच्छा प्रोग्राम कार्यक्रम रहता है। समस्त श्रद्धालुओं से ये निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुकिंग कराकर इस कार्यक्रम में सहभागी बने और इस कार्यक्रम में अपने को जाकर शिक्षा लें, जिससे कि उनका विशेष रूप से जो शरीर है वो ठीक रहे और निरोग रह कर वो इस कार्यक्रम को सफल बनाए। धन्यवाद। इसके अलावा कितने लोगों के यहाँ आने की उम्मीद है और किस तरह की उम्मीद रहेगी आपसे? इस कार्यक्रम में विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल्स के करीब करीब 300-400 अनुयायी भाग लेंगे और 2000 अनुयायियों का आने का प्रोग्राम इस प्रोग्राम में है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे। इस तरीके से इस प्रोग्राम में बहुत सीमित जो है रहने की व्यवस्था है, इसलिए समय से रहते हुए अपनी व्यवस्था कराने की चेष्टा करें और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब लोग अपना जो भी सहयोग कर सकते हैं वो करें। बहुत ही कम मूल पर और रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, हर प्रकार की सुविधा इसमें मिशन की ओर से दी जाती है, और सुबह के समय है ये कार्यक्रम महाराज जी 7 बजे से 10 बजे तक कराते हैं। उसके बाद हर श्रद्धालु और शाम को 4 से 7 कराते हैं। इस बीच श्रद्धालु आराम से रह के अपने जो है गंगा घाट पर बैठे नहाने धोने की सुविधा ले और अपना जो भी उसका नित्य का कार्यक्रम है वो निपटा सकता है।